वन ब्लॉक लोकी क्राफ्ट। बस यही नहीं दिखाते रहना है मेरे को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम खेल रहे हैं लोकी क्राफ्ट वन ब्लॉक पार्ट टू। इसका पार्ट वन मैंने 2 मंथ्स अगो अपलोड किया था। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था कि मैं लोकी क्राफ्ट वन ब्लॉक सीरीज भी स्टार्ट कर रखा हूँ। और आज मैं लोकी क्राफ्ट जब खेल रहा था तो मैंने वर्ल्ड में देखा कि एक ऐसा भी वर्ल्ड है जिसे मैं पहले खेलता था, और इस वन ब्लॉक को मैंने खुद ने ही इन्वेंट किया था। और आज की मेरी इस वीडियो का मेन मोटिव ये रहेगा कि मैं लोकी क्राफ्ट में पहला मेरा मॉडर्न हाउस बनाऊँ, वो भी सर्वाइवल में। चल झूठा। ओके, तो आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अब वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। तो मेरे को तो अच्छे से याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम तक मैंने क्या क्या कर लिया था। तो ये पेड़ बड़ा हो चुका है, इसको काटते हैं। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोबल स्टोन जनरेटर था। इस पेड़ को मैं ऊपर से काटता हूँ, नीचे जाने की जगह ही नहीं है। और आज अपना घर बनाने के साथ साथ हम अपने इस आइलैंड को भी बड़ा करेंगे। ओह, मेरे पास इतने सारे सामान भी है, पिकेक्स, सोर्ड, एक्स। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मेरे को बनाना तो नहीं पड़ेगा कम से कम। मैं जल्दी से इस पेड़ को काट देता हूँ, उसके बाद इस पिकेक्स लेके माइनिंग करता हूँ, खूब सारे कोबल स्टोन तोड़ता हूँ, क्योंकि आज हमें घर बनाना है तो हमें खूब सारे पत्थरों की, कोबल स्टोन और वुड की ज़रूरत होगी। हम अपना घर एकदम बढ़िया सा 5-स्टार होटल जैसा बनाएंगे, जिसके अंदर अपने सारे सामान रखेंगे। मेरे कई सारे कोबल स्टोन तो जल जा रहे हैं लावा में, इसको तोड़ते जाना है अब मेरे को। अब मैं सोच रहा हूँ कोबल स्टोन पर चढ़ के तोड़ूँ पत्थर, क्योंकि मेरे को लग रहा है जल्दी टूटेगा, शायद जल्दी टूटेगा, पक्का नहीं है। वैसे नॉर्मल टाइप पे ही टूट रहा है। भाई ये क्या हो गया, ऐसे क्यों काटने लग गया, ये क्या हो गया मेरे को। इसमें से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ मैं तो, लगता है इसके अंदर रटक गया हूँ मैं, अब बाहर कैसे निकलूँ मैं। पूरा लंदन ठुमकता। ये तो टूट भी नहीं रहा, लगता है मेरे को कोई और तरीका करना पड़ेगा। अरे वाह, मैं बाहर आ गया जंप करते ही। अब ये ट्रिक मेरे को वापस नहीं करनी है, कहीं वापस ना अटक जाऊँ। और इस बार अटका तो शायद बाहर भी नहीं निकलूँ। उससे अच्छा तो मैं ऐसे ही माइन कर लेता हूँ, यहाँ पे सेफ तो रहूँगा कम से कम। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मैं कोबल स्टोन माइन कर रहा हूँ तब तक मैं थोड़ा पार्ट स्किप कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग बोर हो जाओगे। तब तक के लिए बाय बाय। 2000 years later. So hello guys, welcome back to another new way वाली वीडियो। और लास्ट टाइम मैं कोबल स्टोन माइन कर रहा था अपना सुंदर सा घर बनाने के लिए, तो उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग करना भूल गया। और मैं आगे का इतना बड़ा स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, कोबल स्टोन के स्लैब लगे हुए आसपास, तो मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया और वो मैंने लगा दिया और रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन अब रिकॉर्डिंग चालू और मैंने इतने सारे कोबल स्टोन माइन कर लिए हैं, साथ में मेरी 2-3 पिकेक्स भी लग गई और वुडन वाली पिकेक्स भी कम हो गई है। तो अब मेरे को खूब सारे स्लैब्स बनाने हैं और इस एरिया को और बड़ा करना है अपना घर बनाने के लिए, तो इसको मैं ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ। पहले हमको एक बड़ा सा एरिया बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर हम अपना घर बना सकें, और उसके बाद ही कर सकते हैं हम कुछ, उससे पहले कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो गाइस, ये इतना एरिया हो गया है आने जाने का रास्ता, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊँगा और उसके आगे मैं अपना सरफेस बनाऊँगा घर बनाने के लिए। पहले पेड़ जो बड़े हो गए उनको काट देता हूँ, मैं इन स्लेबों को लगा देता हूँ, क्योंकि बड़ा एरिया बन जाए जिसके ऊपर मैं प्यारा घर बन सके। हमें बहुत सारे पेड़ों की भी ज़रूरत होगी इसके लिए, क्योंकि लकड़ी भी लगाएंगे हम अपने घर में पत्थरों के साथ साथ। मैं यहाँ पे स्लेब लेने आया हूँ क्योंकि मेरे सारे स्लेब ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ से मैं अब स्लेब लेके वहाँ जाऊँगा। तो अब ये स्लेब और ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ ताकि पूरा हो जाए और अपना घर बना सके अपन। तो गाइस, रात का समय हो गया और मैं को सोच रहा हूँ यहाँ पे मेरे को लाइटें लगा देनी चाहिए, कहीं ज़ॉम्बीज स्पॉन हो गए तो मेरे को खतरा हो जाएगा। मेरे को भूख ही लगी और मेरे को खाना भी खाना है, और यहाँ पे मेलन इतने दिनों से उगा ही नहीं है। ओके गाइस, तो ये मेलन बड़ा हो चुका है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ। इतने दिनों बाद आज मैं खाना खाने वाला हूँ, बहुत रिलैक्स मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। हमारे वन ब्लॉक सीरीज का पहला खाना है ये। अब इसमें से मैं इसमें मेलन रख देता हूँ संभाल के। अब मुझे लगता है रात को कुछ काम नहीं हो सकता, अब सुबह का वेट करना चाहिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पे 3 ट्रीज लगा दिए हैं, 4 लगा दिए हैं, और एक यहाँ पे पहले से ही लगा था, तो पूरे 5 ट्रीज मैंने यहाँ लगा दिए हैं। ये पेड़ जल्दी जल्दी उगेंगे तो मेरे को लकड़ियों की भी ज़रूरत है घर बनाने के लिए, और मैं अपना घर बना सकूँगा। ये पेड़ बड़े हो गए हैं तो अब इनको जल्दी से मैं काट लेता हूँ। चारों ही पेड़ बड़े हो गए क्योंकि मैंने गेम को ऑन करके छोड़ दिया था, इसीलिए बड़े हो गए। अब लकड़ियाँ मैंने सारी काट ली। यहाँ आग कैसे लग गई भाई, मेरे आइलैंड पे आग, ये अपने आप बुझ जाएगी, मेरे को छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं भी जलूँगा इसमें। मेरे को लगता है ये सब लावा की वजह से आई है। तो अब सब कुछ ठीक है, तो पेड़ एक और बड़ा हो चुका है, उसको भी काटता हूँ अभी।
और साथ में मैं घर बनाने के सारे सामान भी ले लेता हूँ और चलता हूँ अपना घर बनाने के लिए। लकड़ियाँ ले लिया मैंने, कोबल स्टोन भी ले लिया है और भी सारा सामान ले लेता हूँ। मेरे पास 2 एप्पल भी थे लेकिन मैं खाया नहीं था, तो मैं को पहले इनको तोड़ना पड़ेगा, तो मैं तोड़ देता हूँ। यहाँ पे एक और है, ये सब तो उगे ही नहीं, ये वाले पेड़ अब तक एक बार ही उगे थे बस, ये वाला 2 बार उगा था। तो सारे पेड़ कट चुके हैं, अब यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब पहले मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं अपना मॉडर्न हाउस बनाऊँ कैसे, तो तुम लोग बस देखते जाओ मैं कैसे बनाता हूँ। 5 ब्लॉक ऊपर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को कोबल स्टोन लगाना है, तो आगे नहीं पीछे अच्छा लगेगा कोबल स्टोन, तो यहाँ से इसको तोड़ता हूँ और इसके पीछे लगाता हूँ। तो कोबल स्टोन तो कमी है नहीं मेरे पास कोबल स्टोन की, तो यहाँ पे 3 लग गए हैं। अब इसको भी ऊपर तक लेके जाता हूँ, इसकी स्पीड तेज कर देता हूँ मैं, अब जल्दी हो रही है। अब ये हो चुका है, अब यहाँ पे वापस से वुड लगाना पड़ेगा 5 ब्लॉक ऊंचा, और सेम उस साइड भी करना पड़ेगा मेरे को जहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। तो अब दोनों साइड एक जैसे स्ट्रक्चर बन चुके हैं, अब पीछे का बाकी है, आगे से ये घर बन चुका है। तो अब मैं नीचे उतरता हूँ यहाँ से, अब नीचे आ गया हूँ, अब पीछे का बनाना है। पीछे कैसे बनाऊँ मैं ये सोच रहा हूँ, यहाँ पे कोबल स्टोन अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बाद में जब मैं अपना यहाँ पे कुछ फार्म बनाऊंगा तो ये दिखेगा और अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोबल स्टोन हटा ही देता हूँ। यहाँ पे मैं वुड लगाता हूँ, जैसे कि आगे स्ट्रक्चर है वैसे भी साइड में ही रखता हूँ। तो यहाँ पे तो कैसे बनाऊँ, ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे आगे कोबल स्टोन ऐसे लगाता हूँ 3 ब्लॉक्स का। अब इसको भी ऊपर तक ले जाता हूँ, 1 ब्लॉक 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5। और अब ये 3 ब्लॉक होने के बाद यहाँ पे ओक वुड लगा देता हूँ मैं नीचे उतर के, 1 2 3 4 5। तो अभी लकड़ियाँ लगी है, अब यहाँ पे वापस से कोबल स्टोन लगाना पड़ेगा मेरे को। नीचे जंप करता हूँ, 1 2 3 4 5। तो अब ये हो चुका है, तो गाइज अब बस मेरे को कोबल स्टोन लगाना है। दोनों तरफ से ये घर पूरा हो चुका है, अब इसको ऊपर तक ले जाता हूँ, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो अब घर का पीछे भी से भी पूरा हो चुका है, बस छत लगानी है। तो गाइज अपना घर बन चुका है, देखो कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। गेट का है इसका, को जल्दी से 2 गेट बनाने पड़ेंगे जिससे कि मैं इस पे गेट लगा सकूं। अब ये बन चुका है लेकिन मैंने ज़्यादा बना दिए, 6 बना दिए 2 के बजाय। तो अब ये सारा सामान मेरे को घर के अंदर रखना है, तो इसको जल्दी से मैं रख देता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और फर्नेस को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और चेस्ट को इस तरफ लगाता हूँ। चेस्ट ले लेता हूँ, कहें चेस्ट ये रहा, चेस्ट को यहाँ पे लगाता हूँ, सारा सामान इसमें रख देता हूँ मैं। सो तो गाइस कैसा लग रहा है अपना घर, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को। तो पहले इस पेड़ को काट देता हूँ मैं, बीच में बड़ा हो गया है। और अपन फार्म भी बनाएंगे कुछ सर्वाइव करने के लिए, जैसे एक्सपी फार्म, वुड फार्म और भी बहुत सारे फार्म बनाएंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सभी लोग एंजॉय किए होंगे। एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।